ओडिशा राज्य अपने प्राचीन धार्मिक स्थलों के कारण पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। इस राज्य के हर नगर गांव में अनेक ऐसे पवित्र स्थल विद्यमान हैं, जिनके साथ लाखों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा तो विश्व विख्यात है। हर वर्ष आयोजित की जाने वाली इस रथ यात्रा में भाग लेने के लिए न केवल देश के विभिन्न राज्यों अपितु विदेशों से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं। इसी प्रकार कोणार्क का सूर्य मंदिर भी आस्था का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर नगर को भी भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से ही एक बताया जाता है। इसका वर्णन अनेक प्रकार के पौराणिक तथा धार्मिक ग्रंथों एवं ऐतिहासिक पुस्तकों में मिलता है। यहाँ अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल, धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए तीर्थ स्थान का महत्व रखते हैं। इन्हीं में से एक है यहाँ का लिंगेश्वर मंदिर। इसे अनेक भक्त लिंगराज मंदिर भी कहते हैं। वास्तव में यह मंदिर भगवान शिव के ही एक रूप हरिहरा को समर्पित है। ये मंदिर भुवनेश्वर की एक मुख्य सड़क के किनारे बना हुआ है। मंदिर चूंकि शताब्दियों पुराना है, इसलिए ये कहना उचित होगा कि मंदिर के निकट से एक सड़क निकाली गई है। इस सड़क के दोनों ओर अनेक दुकानें हैं, जहां से मंदिर में चढ़ावे तथा पूजा अर्चना के लिए सामग्री उपलब्ध रहती है। सड़क के किनारे ही मंदिर का प्रवेश द्वार निर्मित है। इस द्वार के दोनों ओर सिंह की आकृतियां बनाई गई हैं। द्वार के ठीक ऊपर भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों के चित्र तथा आकृतियां बनी हुई हैं। प्रवेश द्वार से कुछ सीढ़ियां नीचे उतरकर मंदिर में प्रवेश किया जाता है। लिंगेश्वर का ये मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है। यह शहर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और इसे 10वीं या 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव के एक रूप हरिहरा को समर्पित है। मंदिर का सारा परिसर एक परकोटे के भीतर बनाया गया है। वास्तव में ये छोटे बड़े अनेक मंदिरों का एक समूह है। मुख्य मंदिर भगवान लिंगराज को समर्पित है। सैकड़ों वर्षों से भुवनेश्वर पूर्वोत्तर भारत में शैव संप्रदाय का मुख्य केंद्र रहा है। कहते हैं कि मध्य युग में यहाँ 7000 से अधिक मंदिर और पूजा स्थल थे, जिनमें से अब करीब 500 ही शेष बचे हैं। यह मंदिर वैसे तो भगवान शिव को समर्पित है, परंतु शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु भी यहाँ मौजूद हैं। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 11वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में भक्तों के सामने आया। इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में किया गया था, जिसका उल्लेख संस्कृति ग्रंथों में भी किया गया है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फग्युसन का मानना है कि इस मंदिर के निर्माण का कार्य ललाट इंदु केसरी ने आरंभ किया था। उन्होंने 615 से 657 शताब्दी तक शासन किया। इतिहासकारों का कहना है कि मौजूदा मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा जजाति केशी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। उसी के शासनकाल में राजधानी को जाजपुर से भुवनेश्वर में स्थानांतरित किया गया था। इस स्थान को
ब्रह्म पुराण में अक्राम क्षेत्र बताया गया है, किंतु कुछ लोगों का कहना है कि इसके कुछ हिस्से 1400 वर्ष से भी ज्यादा पुराने हैं। मंदिर का पूरा परिसर 150 मीटर वर्गाकार का है तथा कलश की ऊंचाई 40 मीटर है। इस मंदिर की कुल ऊंचाई 55 मीटर अर्थात 180 फुट है। भारतवर्ष में ये सबसे बड़ा शिव तीर्थ है और जितने कोई मंदिर है शिव जी का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर शिव जी मंदिर लिंगराज मंदिर है। ये लिंगराज शब्द इसी प्रकार निष्पन्न हुआ है, लिंगानाम वही ज्योतिषाम द्वादशानांग राजत्वे संस्थितं इति लिंगराज। भारतवर्ष में जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है इनका अंशावतार है लिंगराज। लिंगराज इसीलिए राज शब्द इनके सहित जुड़ा हुआ है। भारतवर्ष में जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है इनके अंश अवतार है। लिंगराज स्वयं परम ब्रह्म मूर्ति है। इनका दूसरा नाम होता है त्रिभुवनेश्वर। अभी तक त्रिशब्द का त्रि अक्षर का लोप हो गए, केवल भुवनेश्वर भुवनेश्वर सब बताते हैं। किसी प्रकार त्रिभुवनेश्वर त्रयाणाम भुवनानां ईश्वर त्रिभुवनेश्वर, तीनों भुवन का अरे भगवान ने तो 14 भुवन बनाया और 11 भुवन किधर गए, नहीं नहीं इसी प्रकार त्रिभुवन बनाया कि त्रिगुण के आधार कर सत्व रज तम त्रिगुण का आधार कर तीन भुवन बनाया भगवान ने। एक स्वर्गपुर और सत्वगुण का पुर है, एक रजोगुण ए मर्त्य भूमि है, एक तमोगुण पाताल भूमि है। ये तीन भुवन का ईश्वर है भगवान त्रिभुवनेश्वर। ये त्रिभुवनेश्वर भगवान शिव जी यहाँ पर अनंत काल से रहा है। पूरे मंदिर में बेहद उत्कृष्ट नक्काशी की गई है। ये जगत प्रसिद्ध मंदिर उत्तरी भारत के मंदिरों में रचना सौंदर्य तथा शोभा और अलंकरण की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लिंगराज का विशाल मंदिर अपनी अनुपम स्थापत्य कला के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर में प्रत्येक शिला पर कारीगरी और मूर्ति कला का चमत्कार है। इस मंदिर का शिखर भारतीय मंदिरों के शिखरों के विकास क्रम में प्रारंभिक अवस्था का शिखर माना जाता है। ये नीचे तो प्रायः सीधा तथा समकोण है, किंतु ऊपर पहुंचकर धीरे धीरे वक्र होता चला गया है। शीर्ष पर यह प्रायः वर्तुल दिखाई देता है। इसका शीर्ष चालुक्य मंदिरों के शिखरों पर बने छोटे छोटे गुंबदों की भांति नहीं है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर अत्यधिक सुंदर नक्काशी की हुई है, यहाँ तक कि मंदिर के प्रत्येक पाषाण पर कोई न कोई अलंकरण उत्कीर्ण है। जगह जगह मानव आकृतियां तथा पशु पक्षियों से संबंधित सुंदर मूर्तिकारी भी प्रदर्शित है। सर्वांग रूप से देखने पर मंदिर चारों ओर से स्थूल व लंबी पुष्पमालाएं या फूलों के मोटे गजरे पहने हुए जान पड़ता है। मंदिर के चहु ओर की दीवारों पर गज तथा सिंहों की उकेरी हुई मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं। वास्तुकला की दृष्टि से लिंगराज मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर और कोणार्क मंदिर लगभग एक जैसी विशेषताएं समेटे हुए हैं। इस मंदिर का आकार इसे अन्य मंदिरों से अलग रूप में प्रस्तुत करता है। इस मंदिर की दीवारों पर खजुराहों के मंदिरों जैसी मूर्तियां उकेरी गई हैं। इसी मंदिर के भोग मंडप के बाहरी दीवारों पर मनुष्य और जानवरों की भी अनेक मूर्तियां उकेरी गई हैं। पार्वती मंदिर जो इस मंदिर परिसर के उत्तरी दिशा में स्थित है अपनी सुंदर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के चार हिस्से हैं, मुख्य मंदिर और इसके अलावा यज्ञशाला, भोग मंडप और नाट्यशाला भी इसी मंदिर के अन्य तीन भाग हैं। मुख्य मंदिर के परिसर में गणेश, कार्तिकेय तथा
गौरी के 3 छोटे मंदिर भी विद्यमान हैं। प्रतिवर्ष अप्रैल महीने में यहाँ एक विशेष रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसकी वास्तुशिल्पीय बनावट भी बेहद उत्कृष्ट है और ये भारत के कुछ बेहतरीन गिने चुने हिंदू मंदिरों में एक है। लिंगराज मंदिर कुछ कठोर परंपराओं का अनुसरण करता है। यहाँ की पूजा पद्धति के अनुसार सर्वप्रथम लिंगराज आने वाले श्रद्धालु सबसे पहले बिंदु सरोवर में स्नान करते हैं, फिर क्षेत्रपति अनंत वासुदेव के दर्शन किए जाते हैं, जिनका निर्माण काल 9वीं से 10वीं सदी का है। गणेश पूजा के बाद गोपालनी देवी, फिर शिवजी की वाहन नंदी की पूजा के बाद लिंगराज के दर्शन के लिए मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं। 1066 ख्रीष्टाब्द में लिंगराज मंदिर किशोरी वंश राजा ललाटेंदु किशोर ने निर्माण किया है। ये मंदिर ऊंचाई 127 फुट है। इसमें हरिहर स्तंभ का हरिहर चित्र, हरि और विष्णु शिवजी का लीला, हाँ, इसके जगमोहन पर ये दो भाग में शिवजी के लीला और विष्णु जी के लीला अर्थात राम रावण युद्ध और महाभारत युद्ध की चित्र लिखा हुआ, मैंने मूर्ति कला में अंकित हुआ है बहुत सा। मुख्य मंदिर में 8 फुट मोटा और करीब 1 फुट ऊंचा ग्रेनाइट पत्थर का स्वयंभू शिवलिंग स्थित है। ये शिवलिंग पारंपरिक शिवलिंग जैसा गोलाकार है, जिसमें से एक ओर से पानी जाने का मार्ग है, लेकिन बीचों बीच लिंग न होकर चांदी का शालिग्राम है जो विष्णु जी हैं। काले शिवलिंग की काया के बीच में सफेद शालिग्राम, जैसे शिव के हृदय में विष्णु समाये हैं। हरी है विष्णु जिन्हें शिव ने हरा है, इसी से इन्हें हरिहर कहा जाता है। मंदिर सुबह 6:30 बजे खुलता है, उसी समय से भक्तों का आना आरंभ हो जाता है। यहाँ भोले शंकर के हरिहर स्वरूप के दर्शनों के लिए प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। सोमवार और शनिवार को मंदिर में शिव शंकर के दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में अधिक होती है। प्रतिदिन आने वाले भक्तों में अधिक संख्या दूसरे राज्यों से आए भक्तों की होती है। अनेक विदेशी पर्यटक भी लिंगराज मंदिर के दर्शन हेतु आते हैं। यहाँ पूरे साल पर्यटक और श्रद्धालु आते रहते हैं, किंतु शिवरात्रि तथा सोमवारी अमावस्या के दिन भक्तों की भरी भीड़ से मंदिर में एक मेले का वातावरण बन जाता है। भुवनेश्वर का ये लिंगराज अथवा लिंगेश्वर मंदिर, जिसे कई भक्त हरिहर मंदिर भी कहते हैं, बिंदु सरोवर के तट पर बना हुआ है। बिंदु सरोवर का भी धार्मिक रूप से विशेष महत्व है। कहते हैं कि पौराणिक काल में इस स्थान को गुप्त काशी भी कहा जाता था। कथा अनुसार भगवान शिव बनारस से यहाँ आकर अदृश्य होकर तप में लीन हो गए। उनकी तलाश में देवी पार्वती भी यहाँ चली आई, किंतु भोलेनाथ के अदृश्य होने के कारण उन्हें प्रभु के दर्शन नहीं हुए। एक दिन उन्होंने एक विशाल आम वृक्ष के नीचे सहस्त्रों गायों को स्वतः ही दूध देते हुए देखा, तो वो समझ गईं कि उनके भोलेनाथ इसी स्थान पर विराजमान है। जहाँ से गाय आ रही थी उसे गो सहस्त्रा या गो सागरेश्वर कहा जाता है। देवी पार्वती वहाँ पर गौ चरवाही अर्थात गोपालनी का रूप धारण कर रहने लगी। तभी लिट्टी
तथा वसा नाम के दो भयंकर राक्षस उनके रूप पर मुक्त हो गए। उन दोनों राक्षसों ने पार्वती माता से विवाह का प्रस्ताव रखा। इस पर क्रोधित होकर देवी पार्वती ने उन दोनों राक्षसों को अपने पैर के नीचे दबाकर उनका वध कर दिया। उस स्थान को पगधरा कहा जाता है। कहा जाता है कि संग्राम के बाद पार्वती जी थककर एक स्थान पर विश्राम करने लगी। उस स्थान पर भवानी शंकर मंदिर स्थापित है। इसके बाद जब उनको प्यास लगी तो शिवजी ने अपने त्रिशूल से इस स्थान पर कूप बनाकर सभी पवित्र नदियों को योगदान के लिए बुलाया। उसी से बिंदु सरोवर अस्तित्व में आया। बिंदु सागर सरोवर में भारत के प्रत्येक झरने, नदी तथा तालाब का जल संग्रहित है। ये सरोवर लगभग आयताकार है। इसकी लंबाई लगभग 400 मीटर तथा चौड़ाई 175 मीटर है। कहा जाता है कि मध्य में इसकी गहराई लगभग 7 मीटर है। सरोवर के मध्य में बने पवित्र स्थल को स्थानीय लोग जगती कहते हैं। हर वर्ष मई महीने में आयोजित की जाने वाली चंदन यात्रा में भगवान लिंगराज यहाँ पधारते हैं। उन्हें एक नाव में यहाँ तक लाया जाता है। कहा जाता है कि इस सरोवर में स्नान करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। हर वर्ष अशोका अष्टमी के पावन पर्व पर भगवान लिंगराज मंदिर से जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, उस यात्रा का आरंभ इसी सरोवर में शिवलिंग के स्नान से होता है। उस अवसर पर मंदिर से शिवलिंग को बिंदु सागर में लाया जाता है। यहाँ पर विधिवत रूप से उन्हें स्नान करवाया जाता है। इस पवित्र सरोवर के चहुं ओर अनेक मंदिर तथा धार्मिक स्थल कालांतर में निर्मित किए गए और आज भी किए जा रहे हैं। ये ब्रह्मेश्वर और भास्केश्वर समुदाय के मंदिर हैं। निकट ही कुछ और मंदिरों का क्षेत्र है, जिसमें मुक्तेश्वर, सिद्धेश्वर, केदारेश्वर तथा परशुरामेश्वर मंदिर सबसे प्राचीन माने जाते हैं। ये मंदिर कालिंग और द्रविड़ स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं, जिन पर जगह जगह पर बौद्ध कला का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। कहते हैं कि मध्य युग में यहाँ 7,000 से अधिक मंदिर और पूजा स्थल थे, जिनमें से अब करीब 500 ही शेष बचे हैं। ये सभी पूजा स्थल हमारी धार्मिक आस्था को उजागर करते हैं। इस सरोवर भगवान शिव जी ने निर्मल सब तीर्थ से स्वर्गमर्त पाताल तिनीपुर से दुर्षभों को भेजकर सकल तीर्थ से बिंदु बिंदु लेकर ये तीर्थों को प्रतिष्ठा किया है। उसी समय भगवान वासुदेव जी ये तीर्थों को प्रतिष्ठा की है। इसी समय से बिंदु सरोवर कुल में भगवान वासुदेव जी का विराजमान है। ये बिंदु सरोवर का महत्व बहुत है, लेकिन इसमें प्रति मास स्नान करने से विभिन्न वस्तुओं को लेपन करके कहाँ पर तिल, कहाँ पर सरसों, कहाँ पर घी, ये प्रति मास में इसका तैल मार्जन करके जब स्नान करते हैं विभिन्न फल मिलते हैं। और कहते हैं क्या, जब श्राद्धादि की क्रिया पितृलोक को पिंडदान करते हैं यहाँ पर पितृलोक वैकुंठ प्राप्ति होते हैं, जिस प्रकार गया में श्राद्ध देने से, तो बिंदु सरोवर में का बहुत महत्व है। वास्तव में बिंदु सागर स्वयं में ही तीर्थ स्थान का प्रतीक बन चुका है। इन्हीं में से एक मंदिर है अनंत वासुदेव, जिसे अनेक भक्त लोग अनंत वासुदेव का मंदिर भी कहते हैं। ये प्राचीन एवं पवित्र मंदिर बिंदु सरोवर के पूर्वी तट पर विद्यमान है। भुवनेश्वर के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर के पाए ओर बना यह मंदिर भगवान कृष्ण, भगवान बलभद्र तथा देवी सुभद्रा को समर्पित है। अनंत वासुदेव जी के इस मंदिर का मुख पश्चिम की ओर है। प्राचीन मंदिरों में अपना विशेष स्थान रखने वाले इस मंदिर का निर्माण
समतल भूमि पर एक चकोर भूभाग पर किया गया है। इसके अग्रभाग में तीन प्रमुख कक्ष हैं, जिन्हें जगमोहन, नट मंदिर और भोग मंडप कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था। इतिहासकारों के अनुसार अनंग भीम तृतीय की बेटी राजकुमारी चंद्रिका देवी ने करवाया था। उस काल में इस क्षेत्र में राजा भानुदेव का शासन स्थापित था। इसका निर्माण कलिंगा शैली के मंदिरों के भांति ही किया गया है। मंदिर के सारे कक्ष और भवन समतल भूमि पर चकोर आकार में बनाए गए हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर बड़ी ही सुंदर एवं कलात्मक आकृतियां उकेरी गई हैं। इनमें से बहुत सी आकृतियां नारियों की हैं, जिन्हें नृत्य मुद्रा में दर्शाया गया है। नारी की मूर्तियों के अतिरिक्त अनेक प्रकार की अन्य आकृतियां भी इन दीवारों पर बनाई गई हैं। ये अनंत वासुदेव भगवान स्कंद पुराण के अनुसार इस क्षेत्र की भगवान के जो चार आयुध है, शंख चक्र गदा पद्म, ये चार आयुध पर भगवान के नाम, जो चक्र आयुध है ना, ये क्षेत्र का नाम चक्र आयुध है, क्योंकि अनंत वासुदेव जी को शिव ने ये क्षेत्र को पालिपाल करके रखा है। इसीलिए कहा गया कि पहले जो भुवनेश्वर आएगा तो पहले बिंदु सरोवर में स्नान करके भगवान अनंत वासुदेव को दर्शन करके भगवान लिंगराज को दर्शन करेगा। आदु बिंदु हृदय स्नात्वा दृष्ट्वा वही पुरुषोत्तम ततो सिंहद्वारं गत्वा प्रविशत हर मंदिरम। इसी प्रकार भगवान की दर्शन होती है। इसीलिए अनंत वासुदेव के दर्शन पहला कर्तव्य है। अभी तक जो अनंत वासुदेव मंदिर सब लोग देखते हैं, ये तीसरा अनंत वासुदेव मंदिर है। इसके पास पास दो और पुराना मंदिर है। ये पुराना मंदिर इसका पास है जो 9वीं शताब्दी का है, और इसका पास में एक मंदिर है, इसके मंदिर के ऊपर चक्र है, हैं तो ये पहला मंदिर है। अनंत भुवनेश्वर में बिंदु सरोवर ऊपर तीनों वासुदेव मंदिर है। ये जो तृतीय मंदिर है ना, इसमें सुभद्रा जी पूजा पाते हैं। इसीलिए ये मंदिर को सब ये मंदिर 1278 ख्रीष्टाब्द में रानी चंद्रिका देवी ने निर्माण किया है। यहाँ भी हर वर्ष रथ यात्रा का आयोजन बड़ी ही श्रद्धा और धूमधाम से किया जाता है। इस अवसर पर दूर दूर से आकर हजारों की संख्या में भक्त इकट्ठे होते हैं। अपने प्रभु की एक झलक पाने के लिए एक विशाल जनसमूह उमड़ पड़ता है। भगवान अनंत वासुदेव जी के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रातःकाल से ही आना आरंभ हो जाते हैं। दिन भर भक्तों की भीड़ मंदिर में लगी रहती है। इस मंदिर में दिन भर प्रभु को विभिन्न प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। ये परंपरा पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तरह यहाँ भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। इस कार्य के लिए मंदिर के भीतर विशेष रूप से एक भोग मंडप बना हुआ है। यहाँ पर पुजारियों का एक बड़ा दल दिन भर अनेक प्रकार के भोज तैयार करता है। इस भोज को पहले भगवान को लगाया जाता है, उसके उपरांत ये भक्तों में वितरण के लिए बाहर लाया जाता है। किंतु पुरी के जगन्नाथ मंदिर की भांति यहाँ भी ये भोज, जिसे प्रभु का प्रसाद कहा जाता है, निशुल्क नहीं दिया जाता। इस भोग को एक विशेष मूल्य पर भक्तों को उपलब्ध अथवा बेचा जाता है। जिस स्थान पर ये भोग अथवा भोज लाकर बेचा जाता है, उस स्थान को आनंद बाजार कहते हैं। वहां अनेक पुजारी अपना अपना भोज लेकर अलग अलग स्थान पर बैठ जाते हैं। जिन भक्तों को ये भोग अर्थात प्रसाद लेना होता है, वह मूल्य चुकाकर ले जाते हैं। प्रसाद की मात्रा अनुसार मूल्य लिया जाता है।
अनेक भक्त वहीं बैठकर प्रसाद का भोग लगा लेते हैं। ऐसे भी कई भक्त हैं जो इस प्रसाद को मूल्य चुकाकर अपने घरों को ले जाते हैं। यहाँ पर भोजन अर्थात प्रसाद के लिए मिट्टी के बर्तनों को प्रयोग में लाया जाता है। जिन भक्तों को ये प्रसाद अपने घरों में लेकर जाना होता है वो भी मिट्टी के बर्तन में ही ले जाते हैं। ये परंपरा न जाने किस युग से चली आ रही है। जो भी हो, भक्त लोग बड़ी प्रसन्नता से मूल्य देकर भोग ग्रहण करते हैं। ऐसा भोग प्राप्त करना पुण्य कमाने समान माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ दिन भर में सैकड़ों मन भोजन बनता है। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा उस बारे में ठीक से कुछ कह पाना संभव नहीं, किंतु एक बात स्पष्ट है कि यहाँ के लोग इस बात को बड़े ही सामान्य रूप से लेते हैं। उनकी दृष्टि में ये सब आस्था से संबंधित है। उनका मानना है कि भगवान को लगाए भोग का प्रसाद ग्रहण करना भक्तों के लिए भाग्य की बात है। ये विश्वास ही प्रभु और भक्त के संबंधों को शक्ति प्रदान करता है।